अगर वाकई में किसी ने कुछ करने की चाह हो तो मिट्टी भी हाथ में आकर सोना बन जाती है, फिर चाहे उसे किसी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। और इसकी ताज़ा मिसाल पेश की है अकोला जिले के एक छोटे से गांव मंजलापुर के बंधु पोल्ट्री फार्म ने। बंधु फार्म के शेख फैमिली ने अपने हुनर से कई मुश्किलात के बावजूद नुमाया कामयाबी हासिल की है। हमारे घर पे आए थे मेहमान। मेहमान आने के बाद में यहाँ पर हमने देखे तो दुकान में यहाँ पर अंडों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था, तो हम देखे तो यहाँ से 4 किलोमीटर अंबिकापुर है, वहाँ पे पाटिल पोल्ट्री फार्म है। हम वहाँ से एक एक नग लाते थे और काट के मेहमान की मेहमान नवाजी करते थे। तो एक दिन ऐसी लाते लाते हमारे मन में विचार आया कि भाई अपने घर से मेहमान आए तो अपन ने एक मुर्गी लाए। ऐसे गाँव में बहुत सारे मेहमान आते, तकरीबन 10 घर में मेहमान आते, तो एक एक किलो कभी करे तो 10 किलो अपने गांव में चिकन का सेलिंग हो सकता। तो फिर क्यों ना अपन ही अपना एक काउंटर खोले। तो फिर हमने एक काउंटर खोले। काउंटर खोलने के बाद कुछ दिन एक मुर्गी जा, फिर 2 दिन 2 मुर्गी जा, ऐसा करते 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 अपना स्कोप मिला अपने को। आज इस फार्म में खुद से ईजाद की हुई कई सहूलतें मौजूद है। यहाँ पर चिकन के बच्चे से लेकर उनके खाने के अनाज तक फार्म में खुद ही बनाया जाता है। इस फार्म का मुआयना करने के लिए कई तलबा और दीगर हजरात दूर दूर से तशरीफ लाते हैं। तो डालना पड़ता तो उसमें कंटेंट जो है कंपनी वो उसके हिसाब से डालती, मतलब पहले ग्रेडर के बच्चा जो है मतलब प्री स्टार्टर मतलब जब बच्चा रहता तो उसको कितना कंटेनेंस होना वो उतना ही कंटेनेंस डालते उसमें से, मतलब कम नहीं होता। फिर बाद में तुम्हारे पक्षी को लग रहा है कि भाई अपना प्री स्टार्टर हो गया कंप्लीट, फिनिशर देना पड़ेगा अपने, ये देना पड़ेगा प्री स्टार्टर, तो स्टार्टर मतलब दूसरे ग्रेड का, तो फिर वो स्टार्टर डालो अपन, तो फिर बाद में स्टार्टर, फिर बाद में फिर जब तक तुम्हारा बैच कटता तब तक के है तुम्हारा बैच तब तक की फिर स्टार्टर। तो फिर हम बाहर से माल लाए, अंबिकापुर से, मूर्तिजापुर से, दरियापुर से, ऐसा माल लाते लाते एक दिन सोचे कि भाई माल लाने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर अपना पेट्रोल जाता, टाइम जाता, उससे बेहतर है कि अपन 50 चिक्स का एक फॉर्म डालते छोटा शेड। तो हमने यहाँ पर खेत में बनाए ऐसा थोड़ा पाल वाल का वगैरह करके ऐसा थोड़ा बनाए तो हमारे यहाँ पर लाइन नहीं थी, लाइन की बहुत दिक्कत थी, तो हमने शेड तो तैयार किए, बाकी फिर वो समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी कैसा देना, हीटिंग कैसा देना, क्योंकि अभी सभी को पता है कि बॉयलर को हीटिंग चाहिए। तो फिर हमारे पिताजी है जी जो है तो वो बोले बेटा पहले जो है तो पहले बुढ़े बोले पढ़ाई बोले कंदील में करते थे और वो पढ़ सकते थे, आज बोले बच्चे बोले लाइट में पढ़ रहे। तो बोले जब कंदील में बच्चे पढ़ पहले के बच्चे कंदील में पढ़ सकते थे तो बोले फिर अभी ये फार्म है बोले अभी तो फिर अपना कंदील पर क्यों नहीं चल सकता, कि जो पुराने बच्चे जो है तो बोले कंदील पर पढ़ाई कर सकते थे। तो फिर बोले ये मुर्गी को अपन कंदील अपने लाइट बताएंगे नहीं तो उसको लाइट की पहचान होगी नहीं, अब लाइट की पहचान होगी नहीं तो फिर उसको तो उसके लिए तो बोले कंदील ही लाइट जैसा मिलेगा ना बोले, तो इसलिए हम बोले कंदील पे करके देखते। तो हम थोड़ा कंदील पे उसको रोशनी वगैरह दिए, कंदील पे रोशनी वगैरह देने के बाद में फिर उसको सर्दी लग रही थी, तो फिर सर्दी के लिए हम वो सिगड़ी लेकर आए, फिर दगड़ी कोयला लेकर आए, फिर बाहर जताए, फिर उसका हीटिंग किए, फिर वो सेंटर में रखने के बाद में उसके ऊपर स्टील का कटोरा रखने के बाद में हीट थोड़ी ऐसी फैली, फैलने के बाद में बच्चों को हीट मिलने लगी, फिर बच्चे नज़दीक जाके हीट लेने लगे, जो बच्चे को पूरा परफेक्ट हीट हो गया तो वो बच्चा उठ के वहाँ से चले जाता था, फिर दूसरा बच्चा आता था फिर वो हीट लेता था, फिर वो खाने के लिए चले जाता था, फिर कोई पीने के लिए चले जाता था, इस प्रकार हम बच्चे को हीटिंग देते थे। हमने ऐसा 6 साल चलाया, 6 साल के बाद में लाइन आ गई, लाइन के बाद में फिर थोड़ी बहुत सुविधा होती गई।
कि उसे एक अपराध हुई है। अब वो दो तीन बार गोवा भी गए और कुछ गांव के लोग भी जाते हैं गोवा, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिला, इस करके उन्होंने पोल्ट्री फार्म शुरू किए। अभी माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा चल रहा, अल्लाह का शुक्र है। अभी हमारा जो ये खाने का भांडा है, ये खाने का भांडा भी हमारा जो है खाने का बर्तन, हम भी ये पहला 5 रुपए का सोन पापड़ी की बर्नी लाकर बनाए, खुद पहला बनाए, फिर कुछ दिन उसमें निकाले, 6 साल हमें इसी तकलीफ से निकाले, फिर 6 साल के बाद में लाइन आई, फिर बाद में हम ऑटोमेटिक भांडे किए, ऑटोमेटिक भांडे करने के बाद में फिर ये खाने के बर्तन लेकर आए, फिर बाद में धीरे धीरे फैसिलिटी होती गई तो धीरे धीरे हम इसको करते गए और आज हमारा ऐसा फॉर्म है। पहले हम फॉर्म पे पानी गांव में से लाते थे, नल का टैंकर वगैरह चालू रहते थे, अगर नल नहीं रहे तो फिर वहाँ से पानी लाना, फिर यहाँ पर लगाना पानी उनको, 35 लीटर की डब्बी में साइकिल पे टांकी लाते थे, बहुत तकलीफ थी पहले। फिर हम सोचे कि इतनी तकलीफ से बेहतर है कि एक तालाब खोदे, फिर हम छोटा तालाब खोदे, रोज़गार हमें योजना में लेकर, फिर उसमें तालाब भरा, फिर तालाब का पानी नहीं पूरा आता हमें, मतलब पूरा 12 महीने अप्रैल में ख़त्म हो जाता था पानी, इसलिए फिर हम सोचे कि इससे बड़ा तालाब चाहिए, इसके लिए फिर ये तालाब खरीदे, अभी खोदे, इसके बाद में ये तालाब खरीदे, खोदने के बाद में अभी इसका पानी साल भर चलता है। तो कभी सेट कर सकते, मतलब ये डबल आता, एक ऐसा आता, एक और ऐसा ही आता। कितने घंटे में तैयार होता ये पूरे, उसको 21 दिन, अच्छा मतलब 18 दिन इसके रखना पड़ता टर्नर से और 3 दिन नीचे रखना पड़ता, 18 दिन में बच्चा पूरा कंप्लीट बन जाता, 3 दिन में पूरा पिलर पीकर रोज मार के बाहर निकल जाता।